नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चूजों को आप मरने से कैसे बचा सकते हैं। यानी दोस्तों, आप देखे होंगे स्टार्टिंग के टाइम में चिक्स का काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है, और इसके पीछे दोस्तों जो रीज़न है, मेन रीज़न वो है मुर्गी के चूजे के ऊपर बीमारी आना। तो कोई भी फार्मर्स अगर अपने चूजे को सही से मैनेज करके अगर उसको बचा लेता है, तो फिर जब मुर्गी जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम उतना ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं होता है अगर आप सही से उसको ध्यान रखते हो। तो सबसे मेन दो कारण होता है चूजे में जिसकी वजह से जो है चूजा मर जाता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है दोस्तों, मुर्गी चूजे में अगर डायरिया का प्रॉब्लम लग जाता है तो दोस्तों आप देखोगे कि मुर्गी में काफ़ी ज़्यादा मॉर्टेलिटी हो रहा है। डायरिया दोस्तों तभी लगता है अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी इनडाइजेशन के चक्कर में, यानी जो भी खाना आप दिए वो अगर सही से नहीं पचा पाती है, तो फिर इस टाइम पर जो है मुर्गी के पेट में गड़बड़ी होता है और डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। जब दोस्तों डायरिया का प्रॉब्लम होता है, आप देखोगे काफ़ी प्रकार की मुर्गी जो है बीट करने लगती है। उनमें से दोस्तों सबसे कॉमन जो है वो है वाइट कलर का बीट, यानी आपको बिल्कुल सफ़ेद चूना कलर का बीट देखने को मिलेगा चूजे में। तो इस बीमारी की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है चूजे में। उसके बाद दोस्तों एक और बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है चूजे में, वो है दोस्तों फॉल पॉक्स, जिसको दोस्तों हमारे लोकल लैंग्वेज में माता भी कहा जाता है। तो ये जो दोस्तों बीमारी है ना, ये एक वायरस के वजह से ये बीमारी मुर्गी में होता है। और दोस्तों ये बीमारी जब चूजे में लगता है तो चूजे के फेस के आसपास काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाता है, बड़ा बड़ा फोड़ा टाइप का बन जाता है, और दोस्तों मुंह के अंदर भी जो है बड़ा बड़ा फोड़ा और घाव टाइप का बन जाता है। तो इस बीमारी की वजह से मुर्गी जो है सही से दाना नहीं खा पाती है, पानी नहीं पी पाती है, और दोस्तों एक टाइम में क्या होता है कि मुर्गी जो चूजा है उसमें दोस्तों मॉर्टेलिटी हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आता है कि ये सब बीमारी से हमारे चूजे को कैसे बचा सकते हैं, यानी क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारे मुर्गी में या फिर चूजे में ये बीमारी सब ना लगे। तो सबसे पहले आपको इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होगा। सबसे पहला है टर्मरिक, यानी जिसको हम लोग हल्दी भी कहते हैं, और दोस्तों फिर आपको चाहिए होगा जिंजर, यानी जिसको हम लोग अदरक कहते हैं। तो अदरक और हल्दी, ये दो चीज़ें दोस्तों हमारी ये सब बीमारी से बचाने में मदद करेगा। तो सबसे पहला जो हल्दी हम लोग लेंगे, हल्दी में दोस्तों जैसे आप सभी को पता होगा इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुर्गी में जो सफ़ेद बीट का प्रॉब्लम है वो दोस्तों एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मुर्गी में होता है, या फिर जो भी डायरिया का प्रॉब्लम होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों जो भी मुर्गी में डायरिया का प्रॉब्लम होने वाला होगा उससे दोस्तों ये हल्दी हमारे मुर्गी को बचाने में मदद करेगा। फिर दोस्तों कई सारे वायरल इन्फेक्शन, जैसे आपको बताया रानी फॉल पॉक्स डिजीज़ से भी दोस्तों ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो अगर हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो जो है हमारे मुर्गी को इस बीमारी से भी बचाने में मदद करेगा। और भी कई सारे बीमारी है, जैसे दोस्तों मुर्गी में ठंडा लग जाना या फिर सर्दी जुकाम हो जाना, तो ये सब भी वायरल इन्फेक्शन ही होता है। तो ये सारे चीज़ से जो है हल्दी अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बचाने में ये मदद करेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अदरक, अदरक का दोस्तों क्या काम है? अदरक एक ऐसा चीज़ है जो कि मुर्गी का जो पाचन तंत्र है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दोस्तों ये ठीक करने में या फिर मजबूत करने में ये मदद करता है। जैसे आपको बताया कि डायरिया का जो प्रॉब्लम होता है वो तभी होता है अगर ऐसा कुछ खाना दे रहे हो जो कि मुर्गी सही से नहीं पचा पा रही है, यानी सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो जिसकी वजह से मुर्गी में जो है लूज मोशन या फिर डायरिया का प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम लोग अदरक का इस्तेमाल कर देते हैं दाने के साथ या फिर फीड के साथ, तो ये जो है मुर्गी का जो पाचन तंत्र है उसको अच्छा करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये मुर्गी का जो वज़न है उसको तेज़ी से बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ये दो चीज़ें आपको बताया इसको हम लोगों को मुर्गी में कैसे इस्तेमाल करना है और कितने क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो आपको बताया टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी दोस्तों आपको कोई भी फॉर्म में ले लेना है। आपको अगर कच्चा हल्दी मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है, या फिर अगर नहीं मिलता है तो आप जो है पाउडर फॉर्म में जो हल्दी आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कच्चा हल्दी लेते हो दोस्तों तो उसमें से मौजूद जो भी रस है उसको आपको निकाल लेना है। 5 ml रस को 1 लीटर पानी में हम लोगों को मिलाना है। या फिर दोस्तों अगर आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हो हल्दी को तो 5 ग्राम हल्दी का पाउडर हम लोग को लेना है 1 लीटर पानी के लिए। तो जब दोस्तों इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दोगे, पानी में अच्छे से मिला लोगे, इसको दोस्तों पिलाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है दोस्तों सुबह का पहला पानी, यानी जो भी पहला पानी आप मुर्गी को पिलाते हो उसी पानी में आप लोगों को हल्दी का पाउडर या फिर हल्दी का रस मिला के अपनी मुर्गी को पिलाना है। ये दोस्तों आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन पिलाना है। इसके बाद दोस्तों जो हम लोग अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है, अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है तो आपको 5 से लेकर 7 ग्राम अदरक का पाउडर जो है चूरना उसको आपको मिलाना है 1 किलो फीड में। अगर
अगर आपको पाउडर नहीं मिलता है तो जो कच्चा अदरक है उसको आपको दोस्तों कूट लेना है, 5 से लेकर 7 ग्राम क्वांटिटी में लेना है। कूट के फिर दोस्तों उसको 1 किलो फीड में अच्छे से मिला के फिर अपने मुर्गी को खिलाना है। ये फॉर्मूला दोस्तों आप डेली अप्लाई कर सकते हो, यानी अदरक को जो है आप अपनी मुर्गी में डेली इस्तेमाल कर सकते हो फीड के साथ। तो इससे जो है जो मुर्गी का डाइजेस्टिव सिस्टम उसको इम्प्रूव करेगा और साथ में जो बॉडी का ग्रोथ है मुर्गी में यानी चूजे में उसको दोस्तों ये बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों ऐसे करके आपको जितना भी डोज बताया गया, जिस क्वांटिटी में बताया गया, आपके पास जितना भी मुर्गी है, आप जितना भी खाना या फिर पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी मुर्गी में, तो फिर आपको उस हिसाब से अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों आज का था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।